आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.6। 1.6 है हमारे पास। वर्नियर कैलिपर्स का जो जबड़ा है वो बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा जो है, यानी कि फोर्थ डिवीजन जो है, वो मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है वो मालूम करें। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से, वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट से आप गो थ्रू हुए हैं, तो आप यकीनन जानते होंगे हमारे पास जो है, एक हमारे पास मेन स्केल होता है, और एक हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो मेन स्केल जो रीडिंग होती है वो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होती है, वो जीरो के इक्वल होती है। मेन स्केल जो रीडिंग है वो जीरो के इक्वल होती है, और वर्नियर स्केल जो हमारे पास इन्होंने गिवन की है वो हमारे पास है डिवीजन के। वो डिवीजन कौन सी है? वो फोर्थ डिवीजन है। तो फोर्थ डिवीजन जो है, मेन स्केल को हमने फोर्थ डिवीजन के साथ प्लस करना है, और अपना जो लीस्ट काउंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इस स्केल को इस राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, जब हम इसको करेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो डिवीजन है वो हमारे पास कितनी है, फोर्थ है। तो हम मेन स्केल को प्लस कर देंगे फोर्थ डिवीजन के साथ, और मल्टीप्लाई कंसीडर कर लेते हैं अपना लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इस वजह से, इसके स्केल के ऊपर जितने भी होते हैं वो सेंटीमीटर में स्केल मेंशन किए होते हैं। तो ये हमारे पास 0.01 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर गिवन होगा 0.04 सेंटीमीटर। तो 0.04 सेंटीमीटर में 0 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर होगा 0.04। इसको एक दफा हम प्लस करके देख लेते हैं। फोर मल्टीप्लाई 0.01, ये हमारे पास गिवन होगा यहां पे 0.04 सेंटीमीटर। जब हम इसमें जीरो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर गिवन होगा 0.04 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं करेक्शन की। तो जब हम इसकी करेक्शन करेंगे, जीरो करेक्शन करेंगे, तो हम इस स्केल को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस जीरो, ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे फोर्थ डिवीजन और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने लीस्ट काउंट से। तो हमने माइनस जीरो प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 0.04 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन, ये हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा और ये हमारे पास जीरो करेक्शन आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 1.8 के। हमारे पास मिकदारें हैं, क्वांटिटीज हैं, 10 ज़ैल में से किन मिकदारों में अहम हिंसों की तादाद 3 है। हमने इनको जो अहम हिंसे हैं उनकी मिकदारों के बारे में इसको बताना है कि हमारे पास जो अहम मिकदारें हैं वो कौन सी हैं। वन पॉइंट एट है, इसमें हमारे पास क्वांटिटीज जो हैं वो, ए तो है हमारे पास 3.006 एंड 6 मीटर,
एंड सेकेंड वन इज 0.00309 kg एंड सी इज 5.05 × 10^27 kg एंड नंबर डी पे हमारे पास है 3010 सेकेंड। अब तीन मकदारें जो हमारे पास अहम है वो कौन सी हो सकती हैं? एक जो हमारे पास नॉन डिजिट नंबर हो, एक हमारे पास जो एक्यूरेट नॉन डिजिट है, एक हमारे पास जो तीसरा जो हो सकता है वो इतना पॉसिबल ना हो लेकिन अप्लाई होता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक नॉन डिजिट जीरो के आगे पॉइंट जो है वो अप्लाई हो रहा है और उसके बाद 2 0 है और उसके बाद एक फिर नॉन डिजिट जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोई खास अहमियत नहीं रखता, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो बी को अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 0.0030। अब ये वाले जो जीरो हैं ये नॉन डिजिट से पहले हैं, तो ये स्पेस जो है उसको कंज्यूम करने के लिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीन मिकदारें जो हैं वो अहमियत रखती हैं। यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन उसके बाद फिर नॉन डिजिट है, तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद हमारे पास नॉन डिजिट है, तो ये भी हमारी क्या है, मिकदारें अहमियत रखती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर है 301, वन के बाद हमारे पास पॉइंट है और पॉइंट के बाद हमारे पास जीरो है, तो इस जीरो की हमारे पास वैल्यू कोई नहीं है, तो ये भी मिकदार जो है वो हमारे पास अहमियत नहीं रखती। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल 1.9। वन पॉइंट नाइन में वो कह रहे हैं कि मुतजा ज़ैल पैमाइशों में हिंसे कितने हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें जो अहम क्वांटिटीज़ हैं हमारी जो सिग्निफिकेंट हैं वो कितने हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तो आप ये बताएं कि इसमें कितने हैं। अगर हम देखें पार्ट ए की तरफ 1.009 मीटर, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास फोर फिगर जो हैं वो अप्लाई होते हैं। नाइन से पहले हमारे पास 2 0 है और पॉइंट के बाद 1 0 है, तो हम इसको लिखेंगे यहां पर फोर चार मिकदारें जो हैं वो हमारे पास अप्लाई हो रही हैं, 1 0 0 एंड 9। अगर जीरो के बाद नाइन ना होता, अगर जीरो होता तो फिर क्या होता, फिर ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो भी हिंसा होता वो हमारे लिए अहमियत ना रखता। आगे देखते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है वो हमारे पास है 0.00450 kg। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 0 है और फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 0 है। 4 से पहले जितने भी 0 हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि वो स्पेस कंज्यूम करने के लिए होते हैं, तो इसकी अहमियत हमारे पास नहीं होती। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी तीन जो मिकदारें हैं वो हमारे पास अहमियत की अमल है, 4 है, 5 है एंड 0 है। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट सी है 1.66 × 10^27 kg। तो ये हमारे पास है, तो यहां पर हमारे पास जो है माइनस है। अगर हम 10^27 करते हैं तो हमारे पास डिजिट से पहले कितने जीरो अप्लाई हो रहे हैं, 27 अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर 0.0000 and 27 and 1.66। अब इससे पहले जो हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं, क्या इससे पहले जो हमारे पास जीरो अप्लाई हो रहे हैं
वो स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि हमारे पास तीन जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, 1 है 6 है एंड 6 है। इसी तरह आगे हमारे पास है पार्ट डी, पार्ट डी हमारे पास है 2001, 2001 क्या सेकंड है, 2001 सेकंड है। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 डिजिट हैं, 2001। यहां पर हमारे जो जीरो है वो स्पेस को कंज्यूम नहीं कर रहे, क्यों? अगर हम इसको निकाल दें जीरो को तो ये 21 हो जाता है। 21 और 2001 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट हैं, 4 सिग्निफिकेंट है। कौन से हैं? 2, 0, 0 एंड 1।